आपने मेरे जैसे मोदी भक्त को छला है, आपने मेरे जैसे मोदी भक्त के साथ धोखा किया है, इस धोखे की कीमत तो आप लोगों को चुकाना होगा। आपने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, आपने पुजारियों को ठेस पहुंचाया है, आपने दलितों को ठेस पहुंचाया, आपने करोड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाया, आपने करोड़ों होमगार्डों को ठेस पहुंचाया। आपके लोग हमारे देश के महान डॉक्टर को गलत बोलते हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग, तब भी माननीय मोदी जी चुप रहते हैं, योगी जी चुप रहते हैं। आपकी ये चुप्पी आपका हार का कारण बनेगा। क्या हिंदू मुसलमान की भारत नहीं है? कोई हिंदुत्व की बात नहीं है। भाजपा मुक्त भारत अब हो के रहेगा, भाजपा मुक्त भारत अब हो के रहेगा, भाजपा मुक्त भारत अब हो के रहेगा। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आप शिक्षा मंत्री बने, क्या आप जनता के सामने पब्लिक कर पाएंगे कि जितने भी सीबीएसई स्कूल है उनको उनके टीचरों को क्या स्कूल वालों ने पूरी पेमेंट दी है? पब्लिक करेंगे आप? पहली बात। और क्या लॉकडाउन में स्कूल वालों ने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कोई रिलैक्सेशन किया है? मैं स्कूलों का नाम ले रहा हूं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल, लोटस वैली स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, ये तमाम स्कूल है, एसएफएस स्कूल, प्रिंसटन एकेडमी, चार्ल्स एकेडमी, सेंट जोसेफ स्कूल, इन तमाम स्कूलों के टीचर्स का सैलरी का डेटा अपडेट करेंगे? मुझे ये जानना है कि जो स्कूल में हमारे इतने सारे टीचर ऑफलाइन वीर कोरोना वॉरियर, क्या उन टीचरों को पूरी तनख्वाह मिली है? क्या उनके ड्राइवर्स को, क्या उनके स्वीपर्स को पूरी पेमेंट मिली है? क्या उनके सिक्योरिटी गार्ड को, जो स्कूलों के कर्मचारी हैं, इनका पूरा पेमेंट पब्लिक करना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जी, अब आप शिक्षा मंत्री है, और अगर इनको पूरी पेमेंट नहीं मिली है तो क्या पेरेंट्स को और हमारे बच्चों को स्कूल की ओर से कोई रिलैक्सेशन मिला है? मैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, अभी देवभूमि उत्तराखंड में हूं। मैं केवल एक बात बताना चाहूंगा, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल जैसे स्कूल, लोटस वैली जैसे स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल, समर विलेज जैसे स्कूल, क्या इन्होंने कोई रिलैक्सेशन दिया है? भाई अब तो स्कूल हमारे बच्चे जा नहीं रहे, पिछले एक साल से डेढ़ साल से, तो वहां कोई बिजली का खपत तो होता नहीं होगा, तो क्या फीस में रिलैक्सेशन मिला है? उत्तर है नहीं। और जब पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है उत्तर प्रदेश में, और पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने कंप्लेन किया है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उससे पहले एक कमिटमेंट थी, कॉम्पोजिट फीस। मैं उत्तर प्रदेश की बात बोलूंगा, क्या होता है कॉम्पोजिट फीस? जब पेरेंट्स की नौकरी चली गई तो क्या फीस 50% नहीं होना चाहिए था? आप बताइए एक बार, जब कंप्यूटर के लैब नहीं चल रहे हैं तो बच्चों के प्राइवेट स्कूल के, जितने भी मैक्सिमम भारत के बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, आपके जानकर मेरे बच्चे भी, और ये जो लाखों लोग मुझे देख रहे हैं आपके बच्चे भी, तो क्या इनके लिए सवाल उठाना गलत है? जब लॉकडाउन में लोगों को अलग से एक एक लैपटॉप खरीदना पड़ा या फोन खरीदना पड़ा और वाईफाई के कनेक्शन लगाना पड़ा, उसी दौरान अंबानी जी ने जियो नेटवर्क के रेट बढ़ा दिए, उसके दौरान सब ने रेट बढ़ा दिए, तब हमारे दूरसंचार विभाग ने कुछ नहीं किया। ये बोझ भी हमारे मां बाप को पड़ा। टीचरों को सैलरी नहीं मिली, गार्ड्स को सैलरी नहीं मिली, बस के ड्राइवरों को सैलरी नहीं मिली। सोचते रहिएगा, अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया, पेट्रोलियम में तो आपने हमें बहुत ही गंदा रिजल्ट दिया है। अब आपसे सीधा सीधा एक सवाल है धर्मेंद्र प्रधान जी, कि स्कूलों में जो अनियमितताएं हैं, अब पता है क्या है? लोगों के बच्चों के रिजल्ट रोके जा रहे हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आपका फीस बाकी है। अब देखिए, समर वेकेशन थे 2 महीने, इन 2 महीने का फीस क्यों लिया जा रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या कंडीशन है सरकार की ओर से? जो माँ बाप को, अब सेकंड लॉकडाउन हो गया, अब थर्ड फेज आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है, नौकरी की बुरी स्थिति है, बाजारें अभी भी पूरी तरह नहीं खुली है, जब लोगों की इनकम नहीं है, तो क्या भारतीय सरकार को इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? आइए तो पब्लिक कीजिए जरा, स्कूलों का ये जो गोरख धंधा चल रहा है, क्या इसके ऊपर कोई कदम किया गया है? उत्तर है नहीं। एक बार नहीं, अगर मैं इन प्रश्नों को उठाता हूं तो यहां बीजेपी आईटी सेल के लोग, ये देखिए आदित्य चित्रान मुझे लिखता है कि कांग्रेस का मैं कुत्ता हूं। मेरे भाई आदित्य जी, क्या आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते? क्या आपके भतीजे, आपके परिवार के रिश्ते के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते? एक बार जाके अपने बच्चों से पूछिए ये प्रॉब्लम जेन्यून है या नहीं। मैं जेन्यून प्रॉब्लम की बात करता हूं, यहां कांग्रेस भाजपा कहां से आ जाती है? जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो शिक्षा मंत्री से ही तो पूछा जाएगा ना, या किसी और से पूछा जाएगा दोस्तों? लेकिन नहीं, हम कुछ भी कर लें, पेट्रोल की बात करेंगे तो मोदी के नाम पाएगा, हमने शेयर पाला है। बढ़ती हुई महंगाई की बात करेंगे तो हमने मोदी के नाम का शेयर पाला है। प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है तो हमने मोदी के नाम का शेयर पाला है। डीजल 100 रुपए का पा रहे हैं, हमने मोदी के नाम का शेयर पाला है। रसोई का तेल, रिफाइन का तेल 200 पार, 225 पार सरसों का तेल, लेकिन हमने शेयर पाला है।
है ना। लॉकडाउन में इतने लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन हमने शेर पाला है। बाबा रामदेव और पतंजलि वाले लोग लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, लेकिन यहां हिंदुत्व आ जाता है ना। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही है। नंबर वन, दिल्ली में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के फिकेट को ढक के लिखा जा रहा है देश का नंबर वन, और ये बताने की कोशिश की जा रही है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात पूछूंगा, जनसंख्या नियंत्रण बिल को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूंगा, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं नहीं। अजी सरकार, आप लोगों के राज में एक बच्चा पढ़ाना भारी है, दो बच्चा कौन उत्पन्न करेगा? आप जानते हैं आपने लोगों के साथ क्या किया भाजपा के सरकार ने? लोगों के घर के लायक रहने लायक नहीं छोड़ा है, लोगों ने मकान बेच के किराए के मकान में आ गए, ये स्थिति है। सेविंग खत्म है, लोग किससे नहीं दे पा रहे हैं। आपके आने के बाद, भाजपा के आने के बाद बैंकिंग का सेक्टर सबसे बड़ा लुटेरा बन गया है, बैंकर सब लूटर्स हो गए, और खुद बैंक के कर्मचारी भी परेशान है, उनके नौकरी के ऊपर भी खतरा है। ये भाजपा की सरकार ने किसी एक आदमी को टिकने नहीं दिया है, शिक्षा बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, ये कहते थे मैं देश बेचने नहीं दूंगा, देश को तो ये कब का बेच चुके, सारे प्रोजेक्ट विदेशी कंपनी को दे दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट का नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। भारत में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन एक विदेशी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। ये योगी आदित्यनाथ जी का मेक इन इंडिया है, आप सोचिए, ये माननीय मोदी जी का मेक इन इंडिया है। और जब इस मेक इन इंडिया के ऊपर हम सवाल उठाते हैं ना, तो बिलबिलाते हुए देखिए इनका आईटी सेल के, देखिए ये शेर पालना, अरे यार शेर एक जंगली जानवर होता है, आदमखोर, तो आप शेर पालेंगे? कुत्ता पालना सीखिए, पर गलतफहमियां मत पालिए। शेर तो एक जंगली जानवर होता है जो मनुष्य का ऊपर आक्रमण करता है, मनुष्य को खाता है। आपने पढ़ा नहीं है, लायन एंड टाइगर दे आर बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स एंड वी आर सोशल एनिमल। वाइल्ड एनिमल का सोशल एनिमल के साथ क्या कॉन्ट्रास्ट है? Aren't you educated? जब कोई बात करेंगे पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए, आइए ना, हम चर्चा करते हैं, डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। मैं आपका हर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं, मैं आजकल कहीं जाता हूं मेरा लाइव रोक दिया जाता है। मैं किसी जगह जाता हूं, भाजपा वाले अपने बंदे भेज देते हैं बीच में, तुम दलाल हो, तुम पैसे लेते हो। अरे एक बात बताओ, क्यों नहीं लूं पैसे? मेरे गाड़ी में पेट्रोल मोदी जी आके पाइप में भरते हैं क्या? पत्रकार है, मेहनत करते हैं, कोई सरकारी नौकर नहीं है। मेरे भी घर के खर्चे कह के लेता हूं, काम करता हूं और प्रोफेशनली करता हूं, मेरा अधिकार है हर व्यक्ति का। भारत क्या मोदी जी पैसे नहीं लेते हैं क्या? मोदी जी तनख्वाह नहीं लेते? राजनाथ सिंह तनख्वाह नहीं लेते? तुम्हारा धर्मेंद्र प्रधान तनख्वाह नहीं लेता? इनके घर में जो फॉर्चूनर BMW खड़ा होता है, ये आसमान से उठ के आया है, हैं? हमें बोलते हो कांग्रेस का पैसा ले लिया, केजरीवाल का पैसा ले लिया, तुम्हारे पेट में बड़ा दर्द हो जाता है भाई, हैं? तुम्हें इतना शौक आके तुम मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरवा दो? तुम्हारे बाप दादा का पेट्रोल पंप है जो तुम गालियां लिखते हो, हैं? पेट्रोल 100 रुपए का पा रही है, बोलना गलत है। अपने देश में गंदगी हो उसको बोलना गलत है। मैं एक बात आपको बोलूंगा, डिबेट करूंगा उस व्यक्ति के साथ जो डिबेट करने के लिए मुद्दे लेके हो, ये नहीं कि मुझे नीचे दिखाओ और मैं आपको नीचे दिखाऊं, ये काम मैं नहीं करता। देखिए संदीप पटेल लिखते हैं, तो किसका कुत्ता है? संदीप पटेल जी, आपके माँ ने अगर ये लाइन पढ़ा होगा ना, आपकी माता जी ने, उन्हें बड़ा दुख होगा। पेट्रोल की बात हो तो हम कुत्ते हो गए, शिक्षा की बात करेंगे तो हम कुत्ते हो गए, वैक्सीन जबरदस्ती लगाई जा रही है हम लोगों को, तो भी हम कुत्ते हैं? तो भी हम कांग्रेस के दलाल हैं? अरे कहीं तो साइंटिफिकली बात करोगे, कहीं तो इकोनॉमिकली बात करोगे। जाके अपने पत्नी और मां से पूछो कि आपके घर का रसोई का बजट क्यों बिगड़ रहा है, लेकिन नहीं, 1500 लोग लाइव हैं इस वक्त मेरे साथ, क्या उन्हें लगता नहीं है कि मुद्दे जायज हैं? अरे कम, अब 1600 गए, हम उनके मुद्दों के लिए लड़ते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए लड़ते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि माँ बाप फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें दर्द होता है भाई। जब स्कूल वाले नोटिस लिखते हैं उनके पेरेंट्स को, कितना कष्ट है। क्या इसके ऊपर एक मुहिम नहीं होना चाहिए? आपको एक बात सोचना चाहिए भाई साहब। अब देखिए नील दत्ता बंगाल 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 करके कूद रहे हैं, मेरे भाई बंगाल में सरकार चुनी हुई है, आपको बंगाल में शिकायत करना जाके बंगाल में कीजिए, मेरे पेज पे आकर बंगाल की क्या बातें कर रहे हो? अब यहाँ एक बंदा लिख रहा है, एक देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि तू लोगों को भड़का रहा है, बढ़ती हुई महंगाई भड़काने का है, पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं भड़काने का है, रसोई गैस 900 को पार हो गया ये भड़काने का है, ट्रेनों में रिजर्वेशन महंगा हो गया ये भड़काने का है,
सीनियर सिटीजन का सब्सिडी रोक दिया गया है, ये मैं भड़का रहा हूं। प्याज का रेट 50 रुपए हो गया, मैं भड़का रहा हूं। कोरोना के नाम पे स्कैम हो रहा है, ये मैं भड़का रहा हूं। है मंत्रियों की प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, ये मैं भड़का रहा हूं। काला धन स्विट्जरलैंड में 283% बढ़ गया, ये मैं भड़का रहा हूं। हमारी देश की जीडीपी गिर गई है, ये मैं भड़का रहा हूं। है स्कूलों में रेट बढ़ जा रहे हैं फीस का, ये मैं भड़का रहा हूं। लोगों की जिंदगी दरिद्री में आ रही है, ये मैं भड़का रहा हूं। है कैसी बात कर रहे हैं आप यार, जो लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं उन्हें इंश्योरेंस का वो नहीं मिल रहा है, क्लेम नहीं मिल रहा है, ये मैं भड़का रहा हूं। किसी व्यक्ति को 4 महीने से चक्कर काटना पड़ रहा है आर्मी में शहीद होने के बाद अपने पेंशन के लिए, अपने पेट्रोल पंप के लिए। कारगिल में कई केसेस जो अब तक पेट्रोल पंप नहीं मिले, ये मैं भड़का रहा हूं। है उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के हर जगह की पुलिस का एक पेंशन आपने खत्म कर रखा है 2004 का, उनके मुद्दे उठा रहा हूं तो मैं भड़का रहा हूं। आंगनवाड़ी लाखों करोड़ों जो हमारी महिला शक्ति है उनको आज तक आप केंद्र के तौर पे सैलरी नहीं दे रहे, दुनिया का काम कराते हैं, जनसंख्या गणना के लिए वोटर्स के लिए उनके घर भेजते हैं, उनको पेमेंट नहीं देते, ये मैं भड़का रहा हूं। है होमगार्ड वालों को इतने सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, बेचारों को दिन और रात काम करते हैं, ये मैं भड़का रहा हूं। ट्रैफिक पुलिस के लोग पूरे सरेआम धूप में खड़े होते हैं, उनको एक कांच का कवर किया हुआ पिकेट आप नहीं दे रहे, एसी लगा हुआ, ये मैं भड़का रहा हूं। चालान के नाम पे आप हमें काट रहे हैं, ये मैं भड़का रहा हूं। 1 रुपए के मास्क के बदले 5,000 का चालान काट रहे हो, ये मैं भड़का रहा हूं। आखिर अपने देश में अपने लोग बात करेंगे तो भड़काना हुआ, और आप जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं वो क्या है फिर? अरे जुल्म का एक इंतहा होता है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा एक बहन को तार तार कर दिया गया, उनकी साड़ी उतार दी गई, क्या रेप करोगे पुलिस के सामने? ये मैं भड़का रहा हूं। अरे हमारा भी खून खौलता है, मरने के लिए तैयार है, निकल गए घर से बहुत पहले, मृत्यु निश्चित है, तो तुमसे डर जाए हम, या तुम्हारे मोदी जी से डर जाए, तुम्हारे योगी जी से डर जाए हम, जिनके राजकाल में आज औरतों पर अत्याचार हो रहा है। लखीमपुर खीरी में बहन रितु सिंह के साथ जो अत्याचार हुआ है, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, तुम्हारा दिल नहीं पसीता, तुम बहन बेटी के बाप नहीं हो, तुम्हारी मां नहीं है। जब एक औरत के साथ अत्याचार होता है तुम्हारे अंदर का मानव मर चुका है क्या? है निर्जीव हो तुम, तुम्हारे नसों में खून नहीं बहता, हमारे नसों में खून बहता है। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, और हर भारतीय की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर बहन बेटी के ऊपर बात आए तो हम उस बात को प्रज्वलित करेंगे। और एक बात मैं आपको बोलूंगा, पूरा चुनाव धांधली में हुआ यूपी में, जब पुलिस के सामने पुलिस नहीं रोक रही एक बहन का इज्जत को तार तार करते हुए, तो धिक्कार है कोई किसी को योगी कैसे कह सकता है? केवल आदित्यनाथ है, आप कैसे योगी हैं? आपके राज प्रशासन में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, वीडियो में साफ है, ओपन है, आप लोगों को दुखी नहीं होता? आपने 4 आदमी को जेल भेज दिया, रेखा वर्मा को आप कीजिए ना तुरंत, क्यों नहीं आपने उनको, क्या उनके लोग चाहिए? पब्लिकली वो बोल रही है जो बीजेपी की सांसद है रेखा वर्मा, लेकिन नहीं, पेट्रोल की बात करेंगे तो गलत, डीजल की बात करेंगे तो गलत, रसोई गैस के बारे में बात करेंगे तो गलत, शिक्षा नीति की बात करेंगे तो गलत, बढ़ती हुई महंगाई की बात करेंगे तो गलत, बढ़ता हुआ क्राइम के ऊपर बात करेंगे तो गलत, बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे तो गलत, हमारा कहना गलत है, हमारा पूछना गलत है, और आपका गलत करना गलत नहीं है। लानत है आप जैसे लोगों की इस मानसिकता पे। आपको एक बात बता दूं, देवभूमि उत्तराखंड में पूर्ण तरह से आपका सफाया होगा, सफाया पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूं, बंगाल में डिक्लेयर किया था, यहां डिक्लेयर करके करूंगा, जितने सीटों में काम करूंगा ना, अच्छे से सुन लीजिएगा, उस सीट में जीतने नहीं दूंगा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों ना हो खटीमा से। यह भी बता दूं आज, हम साधारण लोग हैं, असाधारण शक्ति के साथ हम भारतीय हैं। आप लोगों ने हम भारतीयों का बहुत मान असम्मान किया, हमारा मान गिराया, मैं अब इस देश के मान के लिए समर्पित हूं, त्याग के लिए भी। मैं एक बात कहता हूं, मेरे ऊपर 50 लांछन लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम काम करते हैं और हम करके दिखाते हैं, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अब आपको दिखेगा। 7 राज्यों में चुनाव है 2022 में, मैं कर रहा हूं। जिन जिन लोगों को मेरी सहायता चाहिए, जो मेरी वीडियो देखते हैं, आ रहे हैं सब, आना भी पड़ेगा, क्योंकि हम युवा शक्ति हैं, युवा का मतलब होता है परिवर्तन, यूथ मींस चेंज, और हम आपकी गंदगी को चेंज करके दिखाएंगे। आपने जिस तरीके से हम पे अत्याचार किया है ना, आपको आने वाले 10-15 साल तक दोबारा संसद में आपको कुर्सी नहीं देने दूंगा। आप अपना पैसा लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, हम अपनी असीमित शक्ति लगा देंगे, शक्ति। महादेव की सौगंध भोले का पुजारी हूं, आप लोगों को इस जगह से हटाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ूंगा। आपने मेरे जैसे मोदी भक्त को छला है, आपने मेरे जैसे मोदी भक्त के साथ धोखा किया है, इस धोखे की कीमत तो आप लोगों को चुकाना होगा। आपने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, आपने पुजारियों को ठेस पहुंचाया है,
आपने दलितों को ठेस पहुंचाया, आपने करोड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाया, आपने करोड़ों होमगार्डों को ठेस पहुंचाया, आपके लोग हमारे देश के महान डॉक्टरों को गलत बोलते हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग, तब भी माननीय मोदी जी चुप रहते हैं, योगी जी चुप रहते हैं, आपकी ये चुप्पी आपका हार का कारण बनेगा। या हिंदू मुसलमान की भारत नहीं है, कोई हिंदुत्व की बात नहीं है, भाजपा मुक्त भारत अब हो के रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हल्के न्यूज़।